एल्विश यादव बाहर आ चुके हैं, वी ऑल नो दैट, और इतने दिनों से हम उन पर रिएक्ट कर ही रहे थे, तो दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे शायद आपके, तो इस ब्लॉग में शायद उन्होंने कुछ आंसर्स दिए होंगे, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन आई एम बैक बाय एल्विश यादव ब्लॉग। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं वेलकम टू माई चैनल लिखने वाली मोना, और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गो। राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मिस करा मुझे नहीं करा ये तो कमेंट सेक्शन में बताना। चलो पहले व्लॉग रोक के ना मुझे कमेंट करके बताना भाई, तुम सच्चे मन से कि तुमने मेरे व्लॉग को मिस करा नहीं करा। और आज हमारे साथ हमारे जिया जी भी हैं। हेलो, थाईलैंड से स्पेशल आ रखे हैं, मगर मिल के आते हैं लोंडे से लोंडे को लेके आते हैं साथ में आ गए, अब लेके भी आ गए बाहर। पर चलो जो भी हो भाई, देखो एक हफ्ता जो गया अपना, नो डाउट वेरी बैड फेस ऑफ लाइफ, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जिंदगी में, सीखने को ही मिलता है। बिल्कुल, अंदर की तो चलो क्या ही बात करनी, मेरे को अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अच्छे वाला, ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो जितने मेरे भाइयों ने मेरा सपोर्ट करा उन सबको दिल से धन्यवाद, जिनने नहीं करा उनका भी धन्यवाद, जिनने बुराई करी मेरी उनका भी धन्यवाद, जिनने अच्छाई करी भाई सब उनका भी धन्यवाद, हम तो धन्यवाद कह सकते हैं सभी लोगों को। और अभी अपने काम धंधे पे वापस आ गए, जितना भी अपना नुकसान हुआ अंदर जाके वो रिकवर कर रहे हैं, उससे पहले जब दाढ़ी वाड़ी बड़ी होगी ना अंदर सुविधा नहीं होती एक्चुअली बाल बुल कटाने की, तो बाल बुल कटाने जा रहे हैं साथ में दोनों जने, मगर चलो घूम के आते, गुड़गांव घूमे बहुत टाइम हो गया, एक हफ्ता हो गया बाहर निकले, हमारी भी बढ़ गई भाई आवाज में थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है टेंशन में, पापा पापा के तो सारे दौड़े हो गए सब सफेद हो रही है दाढ़ी भाई, पार्ट ऑफ लाइफ। क्या कह रहा, जब तू उस दिन संडे को खाना छोड़ रहा था कॉमन ने, ना संडे खाया ना मंडे ट्यूसडे, मग भाई ऐसे तो हो जाएगा, मग चल तू फिर वेंसडे को सुबह टिकट बुक कराई और शाम के आपने चलो सब भाई परेशान हो जाते हैं। पर मुझे एक चीज तो पता लगी देखो इस वाले पूरे सिनेरियो में, कि अपने तो अपने ही होते हैं नो डाउट, जो अपने लोग होते हैं वो अपने ही होते हैं। एक सेकंड एक फ़ोन आ रहा है वो उठाऊं, तो पहले जैसे गाड़ी लेकर निकल जाते थे रातों को, वो थोड़ा मिस करा मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ें मिस करी, अपनी दोस्तों गल बैठना मस्ती मस्ती, पर चलो कोई नहीं, हमें तो देखो अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है पूरा, जो होगा सही होगा, ना हम कुछ गलत कहते ना हम कुछ गलत कहते, अपने बाल कटवाने जा रहे हैं, दाढ़ी सेट करवाने जा रहे हैं, फिर गुजरात में सूरत में होली मनाएंगे, और जो जो देख रहा है भाई सभी को मेरी तरफ से इवेंट में आ रहे हैं ना ये कोई, वो भगवान ने थोड़ी कृपा बरसा दी मेरे पे, जो अपने घर वालों के साथ होली मनाऊंगा मैं, ठीक है बाकी सब तो है ठीक, तो वैसे क्या ही है ठीक तो वैसे क्या ही है, अभी धीरे धीरे लगेगा है मम्मी पापा इन सबको, पर सब ठीक है यार, टेंशन में तो है ना, टेंशन क्या, हम तो पानी की तरह कहीं भी डाल दो वहीं वैसे बन जाते हैं। भाई साहब दिक्कतें सबकी जिंदगी में भाई, किसी के बड़ी हैं किसी की छोटी हैं, हमारे बड़ी थी छोटी थी बड़ी थी काफी काफी बड़ी थी काफी बड़ी भाई सीरियसली, कोई नहीं करते हैं इसको भी फेस कर रहे हैं, और हम तो नहीं चाहेंगे भाई, भगवान ना करे किसी की लाइफ में ऐसी दिक्कतें आए कभी जैसे हमारी लाइफ में आई, बट इट्स ओके पार्ट ऑफ लाइफ, इसको भी काट देंगे, टाइम है निकल जाता है अच्छा भी बुरा भी तो ये पता नहीं कौन सा टाइम कौन सा गुजर रहा है, कब तक गुजरेगा कब नहीं गुजरेगा देखते हैं, अभी अपने काम धंधे पे फोकस करते हैं, बैक ऑन ट्रैक बैक ऑन लाइफ। ले भाई दाढ़ी वाड़ी सेट वेलकम है जी, वेलकम है भाई, है भाई का वेलकम है, हमारा घर है, हम तो ही रहते हैं भाई, रहते तो हम यही है चलो भाई बढ़िया बाल काट दें, ऊपर से भी काटने चलता है थोड़ी बहुत, भाई साहब हमारे साथ पेंगुइन है, हमारे साथ हमारा घर का खाना छोले, इन्हें पता क्या कर रखा था, इन्हें छोले भटूरे मंगाए थे मेरी आने की खुशी में, और वही छोले मेरे तब रोटी के गल को आ रहे, वही प्याज है यार, मम्मा कितने कमजोर हो गए, हाथ दिखाओ अपने,
वो तो मोटा होगा भाई। अरे बेटा छोड़ दे इसको, छोड़ दे, आजा रोटी खा, आजा आजा। मम्मा यू क्या है ये चीज, ओ ओ ओ टेबल का साइड का वो क्लैपिंग कर दे, क्लैपिंग इसे संभाल के रखो भाई, ऐसे मत छोड़ो इसको। हां जी यो ना बहुत ही कर दी इसे, ऐसे मत बेटा, आराम से बैठ जा। ए बोले बोले आराम से बैठेंगे तो बच्चे क्या बच्चे रहेंगे। ये तो किताब लेके आया हूं मैं वहां से, हटाना दिखाने नहीं, जीत आपकी, जीत आपकी। मैं कह रहा हूं पानी बिखेर देगी मम्मा, बिखेर चुकी है। हां पानी बिखेर देगी वो बेटा। ओए ओए हीरो, अच्छा इसको प्यार थक जाती है तो दिन भर भी बिखेर ही रही है। कोई बात नहीं, पूछ रहे। वाह वाह क्या पाइप किया है भैया, बिखेर बिखेर बना दे क्या, बिखेर दे बिखेर दे, काम का सबको तोड़ दे इधर। ये भी तोड़ दे इसे, इले इसे फाड़ दे, ले ले बेटा ले, कितना खुश हो जाएगी। अच्छा नहीं लिया अभी तो, अर्जुन मेरी लिया चलती ले भाई, ताली मार दी तो इनाम है तुझे, ले इस पे ताली मार दे, हाई फाई कर दे, आ जा ले, जा जल्दी मार ताली, इनाम है वो, कर दे आटा वाटा, कर दे आटा वाटा जल्दी। मैं ये तो ना कर दे भाई, फ्लाइंग किस कर दे, फ्लाइंग किस कर दे, कहां गई कुछ भी ना कर रही हो तो। यो यार कोमल यार क्या सिखाया यार, कुछ नहीं सिखाया। मामा कहते, मामा मामा बोल दे, नो इनाम, नो मामा नो इनाम। ये वाली किताब देना ऊपर वाली, नीचे वाली, नीचे वाली भाई, ये वाली किताब पढ़ने शुरू करी है, प्रमोशन नहीं है। ये वाली किताब पढ़ता हूँ, भाई ने गिफ्ट करी है मुझे अंदर से ना, कह रहा भैया ये किताब जरूर पढ़ना, एक भाई था हमारे उधर, मैं कहा ये किताब जरूर पढ़ेंगे भाई, थोड़ी सी तो पढ़ी है मैंने, काफी अच्छी है। और एक ये है, दो किताब दी है मेरे को, ये देखो दूसरी है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर का हिंदी एडिशन दिया उधर, हिंदी में मिलती है, वहां पे मिलता है मतलब। बेटा तू भी पढ़ ले एक किताब, क्या कर रहे हो, आजा मेरे दोहरा आजा, माना बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी है। ओए लग जाएगी, कैसे बीते आपके साथ दिन, सात जन्म की तरह। इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ, कम टू मी। क्या किया बालक, बड़ी शरारती हो रही है, बड़ी शरारती हो रही है, आजा मोटा तू आजा मेरे, तो है वे अपना बालक संभाल रहे तो अपना बालक संभाल ले ले। हाँ भाई मेरी मम्मी कमजोर हो गई, बताओ इट्स ओके पार्ट ऑफ लाइफ। नींद ही नहीं आई सात दिन, छह साल से कल तक, आज सुबह तक नींद ही नहीं आती। मैंने तो पूरी नींद आ रही थी, देखो हमारे साथ पैकिंग चल रही है बहुत तेजी से, एक बैग हमारा गुम हो गया तो अभी मम्मा एयरपोर्ट पे क्या पहनना मैंने, बेटा देखो तू, तुम्हें पता होगा ना। वाह नाइस जवाब, मैं सोच रहा हूँ ये दोनों पहन लूँ, ये कॉम्बिनेशन कैसा, पक्की बात है। हाँ। इसके नीचे जूते पहनूं, चप्पल पहनूं, चप्पल ना, चप्पल ना, जूते पहने कर बेटा, जूते तो वहां पहनूंगा नहीं इवेंट में, ये क्या है, तो बुरशेट है ये, मेरी नहीं है मम्मा, फिर ना है बुरशेट, ये दोनों अलग कर दो, फिर ये दोनों अलग पहनूंगा। और ये तो अपनी वही पुरानी जीन्स भाई साहब, दो जीन्स तो ये रख ली, अभी नए कपड़े तो मैंने दूसरे घर से उठाने हैं, ये कपड़े आए ना आधे, तो कपड़े आए ना तो आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, क्या टेंशन लेते हो, थोड़े से वहां से उठा लूंगा, वो वाला बैग ले जाने की जरूरत तो नहीं है, वो ना ना एक ही बैग है ना। हाँ जी हाँ जी, सेम एनर्जी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे माफ कर देना, कभी तुम्हें लगे कि बाइक एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, वो बोल भी नहीं रहे होंगे, वी आर बैक, थोड़ा पतला हो गया शायद, मैं चेक करना। आजा भाई मोटर, ये असली असली पतला दिखाता हूँ तुम्हें कौन हुआ, आजा भाई आजा, अपनी सेहत दिखाओ, सेहत चेक कराओ अपनी, देखा डोला चेक करा दे अपना डोला, मम्मी का डोला तो बहुत बड़ा हुआ, हमारा तो छोटा रह गया। यस पब्लिक के लिए कोई मैसेज है आपका, मैं तू ही दे ले बेटा, बोले ना बोले, मुझे ना भी बोलना, इतना तो बोला है तुम। मैंने देखे न्यूज चैनल पे भी बोल रही थी, पता ही ना कहाँ चली गई आवाज, पता ही ना कहाँ चली गई आवाज, नहीं आवाज कहाँ जाएगी भाई, न्यूज चैनल पे चट 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 बोल रही थी और क्या, सुन ली कह रही लड़ाई झगड़ा तो
वो होता दोस्तों में होता रहता, घर में तो नहीं हो रहा था ना, वो सड़क पे तो नहीं हो रहा था, देख रहा था मैं कल रील में। अच्छा, रील के शॉट्स क्या करते रह रहे हो आप ये सब मेरे पीछे से? मगर 7 दिन के लिए इनको छोड़ के चला गया, देख कैसी होगी बता भाई मोटे। तो जब मेरी कदर पता लगी मेरी कदर पता लगी तुझे, है 7 दिन ना दिखा तुझे मैं क्या हो गया तेरा, तो मुझे थोड़ा ढंग से रखा करो, प्यार मोहब्बत से रखा करो। लाड लूड करके रखा करो, अपने दोहरे रखा करो भैया, टाइम का कोई भरोसा नहीं है, लोगों का भी कोई भरोसा नहीं, मेरा तो भरोसा कर सके तो। अरे कैसे उदास हो रही है, हंस के तो दिखा दे भाई, इतनी हंसती रही करती व्लॉग में गाइस, एक बार कमेंट करके बताना भाई आंटी हंसना रही तुम्हारी, देखो हंस मोटे, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। यो क्या है, छोड़ इसने सारी चीज ले जाऊंगा भाई, हम जा रहे हैं होली के इवेंट के लिए, और अपना जो भी काम धंधा पेंडिंग रह गया था 7 दिन में जो छूटा वो अपने वापस कैच कर रहे हैं, तो किसी को लगे कि आते ही है तो काम धंधा शुरू कर दिया भाई, और क्या करें, मामा भी उदास, काम तो काम है ही, छूट गया था बड़ा नुकसान हो गया अपना ना पीछे से, पर इट्स ओके, घर वालों का साथ तो सारी चीज बराबर है भाई। वो अलग गाना सुना दे, अपने तो अपने होते हैं, सुना दे सुना दे अपने तो सुना दे सुना दे भाई ये बात तो है। देखो मैं तुम्हें एक लास्ट में ब्लॉग खत्म करते करते एक मैसेज दूंगा कि अच्छे टाइम में बहुत लोग साथ देंगे तुम्हारा, और बुरे टाइम में तुम्हारी फैमिली साथ देगी तुम्हारा। गलत कह दी कुछ? नहीं, परिवार तो साथ देगा, पर तेरा साथ बहुत दुनिया ने दिया है। नहीं, वो तो मुझे पता है, बहुत पूरे देश ने साथ दिया तेरा, मैंने देख रहा कल फ्यूजन कार्स वाले, हर बड़े बुजुर्गों ने, जो आंटी है, बुआ चाची, मतलब जो भी तेरी लगती है पूरे देश में, सबने बहुत साथ दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत दुआएं दी हैं तेरे तक। आई नो, मैं देख रहा था ऑनलाइन जितने भी दिखी, चलो भाई ठीक है, हम कर रहे थे, पापा कर रहे हैं, और भाई सब साथ दिया, और बच्चों ने भी उनका बहुत थैंक यू, पूरे देश ने जो दुआएं दी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं देख रहा फ्यूजन कार्स वाले भाई ने भंडारा कर रखा, शेर ना शेर, उसने भंडारा कर रखा, कह रहा दो है इस बार ठेली, दो वे भाई बड़े प्यारे प्यार, और मेरे फैन पेजेस ने भंडारा वगैरह करवाया, भाई बहुत प्यारे हो तुम सब लोग जो इस टाइम में मेरे साथ खड़े रहे, और सभी का दिल से धन्यवाद। और तो देखो मैं इससे ज़्यादा मेरे पे वर्ड्स क्या हैं जो मैं आभार व्यक्त करूं अपना कि भाई मैं कितना प्यार करता हूं आप लोगों से, पर मैं तो धन्यवाद ही बोल सकता हूं हाथ जोड़ के कि जिनने मेरे पे भरोसा रखा और भाई का साथ दिया, ऐसे प्यार मिला, बहुत प्यार मिला ऐसे टाइम में भी ना, हर इंसान खड़ा था साथ। गाना सुना दे अब कोई, अब कोई गाना सुना दे मोटे, वो कर दे मूड फ्रेश कर दे, कर दे गाना। मैं तो एक ही चीज कहूंगी, एक दुआ में बहुत दम है, दुआ जो प्रार्थना है करते हैं करिए, उसमें बहुत दम था, बताना ना करी ना करी मेरे लिए, कोई नहीं भाई, सबने करी मुने मुने ना, सबने प्रार्थना करी है, इट्स ओके गाइस, टाइम है, तुम्हारा भाई और स्ट्रॉन्ग होकर निकला, और भगवान करे और स्ट्रॉन्ग ही होते चले जाएं, हम भी आप भी मेरे घर वाले भी, इन चीज़ों से तो हमें नहीं भैया, सबके घर वालों को बचाएं, और चलते रहने दे जीवन बढ़िया अपना, मौज मस्ती में वापस बैक ऑन ट्रैक, अपना होली मना के आ रहे हैं भैया, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी होली, और अपना प्रोग्राम है सूरत में, आप इस ब्लॉग को देख रहे हो आज तो 25 तारीख को सूरत में, मैं इंस्टा पे फॉलो कर लेना भैया जो ना कर रहा हो, वहाँ पे डिटेल दे दूँगा, आ जाना भाई साथ में होली खेल लेंगे, तो ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। मैं एक ही चीज़ कहूँगी, जो भी हैं बड़े बुजुर्ग और जो भाई बंधु हैं, सब बड़ा प्यार बनाए रखो, और इसको विशेष देते हैं, इसको भी दे देना थोड़ी सी ये भी खुश हो जाएगी, सभी विशेष दे देना, ठीक है भैया, राम राम जी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, कितने दिन हो गए थे बोल रहे हो, लाइक कमेंट सुनना पड़ा था, हम लोग चैनल इंस्टा देख देख कर दुख आ गया, कोई अब आ गए वापस, अब कर देंगे दोबारा लाइक कमेंट शेयर, क्यूट है यार मम्मी, बहुत क्यूट है इसकी मम्मी, तो थोड़ा सा जब उसने ना एक बेड पे जब था वो लेटा हुआ, तो उसने बोला मम्मा को बुलाया, एंड शी वाज लाइक, उसने पूछा कैसा था 7 दिन, तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं बहुत जल्दी किसी को भी दुखी देख के मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, तो सेम तब मेरे को थोड़ा सा फील हुआ उस टाइम पे ऐसा ना कि एकदम इमोशनल, एकदम ऐसे जैसे कि आंसू ना आ जाए कई बार, बिकॉज
माँ की फीलिंग एंड ऑल वो किसके थ्रू गए, वो मीडिया में जो इंटरव्यू हुआ वो सारी चीजें एंड ऑल, ठीक है, तो वो सब याद भी आया. एंड ऊपर से मैं पर्सनली मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, ठीक है, तो इसलिए ऐसा था. पिछले बार मैंने वीडियो पे रिया किया था जब इनके इंटरव्यू का था, तो इनके मम्मी डैडी दोनों रो रहे थे, तो मैं रो ही नहीं, बट एक बहुत इमोशनल होना, बोलते ना कि जैसे कि आंखों में पानी आ जाना, वैसे टाइप का. तो बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा था कितनी एक्टिंग ये वो. मुझे ये कहना है कि कुछ लोग होते हैं इमोशनल, शायद आप उस दुनिया के नहीं हो, क्या हो आप जानो, बट कुछ लोग होते हैं इमोशनल, उनसे नहीं होता है सहन जब उनके सामने कोई रोता भी है तब, ठीक है. तो मैं उस टाइप की हूँ जो मुझसे मुझे एकदम मैं एकदम ये हो जाती हूँ कि यार ये रोए मेरे सामने या जो कुछ भी, आई गेट वेरी इमोशनल. सेम वे इस व्लॉग में भी मेरे को हो रहा था. एल्विश की एनर्जी लो थी, टोन में उसके वॉइस में ही ये था, पेन था. अगर आपने देखा होगा इट वॉज वेरी पेनफुल. उन्होंने बहुत बातें नहीं की कि ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया, अगर शायद ये पहला व्लॉग था इसमें वो नहीं बोलेंगे, शायद आगे बोलेंगे, शायद उनके लॉयर्स ने बोला होगा कि कुछ बोलो मत पब्लिकली, या शायद बहुत सी चीजें हो सकती है. तो इसमें बहुत से जवाब ऐसे उससे रिलेटेड कुछ नहीं मिला, बट इनके आवाज में पेन था, उनके मम्मी के आवाज में पेन था एंड एवरीथिंग. तो वो सात दिन उसके मम्मी ने जब बोला ना सात जन्म जैसे गए, ऐसा फील हुआ मेरे को एकदम, लिटरली मेरे को बहुत खतरनाक फील हुआ. सो दिस व्लॉग वॉज वेरी डिफरेंट कम्पेयर टू अदर व्लॉग्स. तो मुझे ऐसा लगता है अभी से एल्विश भी खुद बोलते हैं कि फुक फुक के कदम रखेंगे, या कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं जाएंगे, या छोटी चीजों को ज्यादा हवा नहीं देंगे, है ना. ये तो क्योंकि खुद कर रहे, खुद को तकलीफ हो रही बात अलग है, मेरे वजह से पेरेंट्स को तकलीफ हो रही, वी कांट डू दैट, है ना. हम लोग फिर उस टाइम पे एकदम से ऐसे हो जाते सतर्क, ठीक है. आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था मेरा रिएक्शन. जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत निहाल सा, बाय.